और वहीं दिल्ली में आज होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। रिहर्सल के लिए लाल किले के आसपास के कई रास्ते बंद रहेंगे। सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक कई रास्ते बंद रहेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की। एडवाइजरी में वैकल्पिक रास्तों के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। और विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ा हुआ, सीधे रुख करेंगे उनका। विवेक, किन किन रास्तों को आज के लिए बंद किया गया है और उसके विकल्प क्या दिए गए हैं लोगों को? देखिए, बात की जाए तो लाल किले के आसपास के सभी रास्तों को बंद किया गया है, जिसमें नेताजी सुभाष मार्ग के साथ साथ यमुना बाजार की जो रोड है वो चांदनी चौक, और साथ ही ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि यमुना बाजार की रोड है और जहां पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पे भारी तादाद में तैनात किया गया है। लाल किले के आसपास से जो भी रोड होकर गुजरती है वो सभी रास्ते जो है बंद है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइस जारी की है कि जो लोग इन रास्तों को अवॉइड करते हुए अन्य रूटों का इस्तेमाल करें, जैसे कि ISBT की तरफ जाने वाले लोगों को गीता कॉलोनी वाला रास्ता जो है वो पकड़ना होगा, IP स्ट्रीट का जो रास्ता है वहाँ से वो लोग जा सकते हैं। तो कई वैकल्पिक रूट जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को बताए हैं, और साथ ही ये कहा गया है कि इन रास्तों को, जो लाल किले के आसपास के रास्ते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए, क्योंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ये रास्ते जो है बंद रहने वाले हैं। साथ ही सी हेक्सागन, कॉप्लिकस मार्ग, मंडी हाउस, फिरोशा रोड के आसपास भी काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया गया है। वहाँ पर भी कुछ रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे एक समय पर, उसके बाद वो खोल दिए जाएंगे। तो साफ है कि फुल ड्रेस रिहर्सल बिल्कुल विवेक, इसके साथ ही ये जानकारी भी दे दीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारी है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए। जो गाड़ियां दूसरे राज्यों से आ रही है या कहीं और से आ रही है, उसकी चेकिंग की कैसी व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस और प्रशासन की ओर से? देखिए, पुलिस द्वारा साफ कहा गया है कि 14 तारीख की रात 12 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक हैवी व्हीकल्स जो है वो बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते। साथ ही जो बसेस हैं वो ISBT के पास ही रहेंगी, वो अंदर जो है नहीं आ सकती। तो साफ है कि पूरी एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है वो दे दी गई है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बकायदा लाल किले की सिक्योरिटी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। 2 घंटे तक एक मीटिंग चली थी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी, और देख सकते हैं एक बार फिर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं कि यहां पर पूरी सिक्योरिटी जो है वो यहां पर तैनात की गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल यानी कि जिस तरह से 15 तारीख को सिक्योरिटी रहने वाली है उसी के हिसाब से पूरी तरह से यहां पर सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। यही नहीं, लाल किले के आसपास ही पूरी सिक्योरिटी लगाई गई है। उसके अलावा इंडिया गेट, राजपथ के साथ साथ फिरोशा रोड, कॉप्लिकस मार्ग, मंडी हाउस, ITO, दरियागंज, ये सभी रास्तों पर काफ़ी तादाद में पुलिस बल को लगाया गया है। दरियागंज की रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। साथ ही 2 तरह के स्टिकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं, और उनका अपना एक महत्व है। तिकोना और चकोर जो स्टिकर है उनके हिसाब से ही लोगों को एंट्री जो है वो दी जाएगी। आप नजर बना रखिएगा, शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी विवेक ने आपको ये भी बता दिया कि सुबह 10 बजे तक दिल्ली के कौन कौन से रूट बंद होंगे। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इसको जानकारी में रखते हुए निकले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।